बुद्धं शरणं गच्छामि। सो दोस्तों कैसे हो सारे? बढ़िया, अपन भी बिल्कुल बढ़िया। सो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई ने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कुछ काम भी होता है प्रोफेशनली। आई एम अ टीवी एक्टर, सो काम के सिलसिले में थोड़ा बिजी हो गया था जिसके कारण मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा था, इसलिए व्लॉग्स नहीं आए। लेकिन अब फिर से व्लॉग्स आएंगे। और व्लॉग शुरू करने से पहले जो अपना स्टाइल में एंट्रो होता है वो करना था, मैं भूल ही गया। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ चैनल गौर राइडर्स में। तो दोस्तों अभी तक जो है आपने सिर्फ और सिर्फ स्पीति राइड देखी और जंस्कार राइड देखी। मैं मुंबई से निकला था तीनों ट्रेन एक साथ करने के लिए, तो मैंने पहले किया स्पीति, मैंने पहले जो है स्पीति राइड कंप्लीट की, उसके बाद जंस्कार राइड कंप्लीट की। जंस्कार राइड भाई साहब नेक्स्ट लेवल थी, नेक्स्ट लेवल मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने जबान से बोलूंगा उतनी चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको बोलूंगा कि आप जाइए जाकर के वो सीरीज देखिए जंस्कार वाली, क्या हुआ है आप देखो फिर पता चलेगा। सो मैं ऊपर लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करो सीधे जंस्कार पहुंच जाओ। सो ये जो सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये है तीसरी सीरीज। पहली थी स्पीति राइड की सीरीज, सेकंड वाला जो था वो था जंस्कार सीरीज, और थर्ड वाली जो है ये है लद्दाख सीरीज, जिसमें कि पब्लिक जो लद्दाख घूमने जाती है जो सर्किट कंप्लीट करके आती है वो सर्किट भी मैंने कंप्लीट किया है। उसमें कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चीजें कंप्लीट की हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर के मुझसे पूछ सकते हो, जो कि है गो राइडर्स अंडरस्कोर शशांक। वहां आइए, आकर के वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप जानना चाहते हैं मुझसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको फटाफट मैं रिप्लाई दूंगा। गाइस अभी निकल रहा हूँ लेह एक्सप्लोर करने के लिए। लेह में जो भी चीजें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर जो मैंने एक्सप्लोर किया था वो कुछ भी नहीं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जो चीजें बच गई थी बस वही चीजें एक्सप्लोर करूंगा। देख रहे हो ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, लेह में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, रास्ते भी सुनसान पड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों बंद है, क्या कारण है, गॉड नोज। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये रास्ता चला जाता है मनाली सरचू होते हुए, तो जब हम निकलेंगे तो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे खारदुंगला की तरफ। देख रहे हो सामने भैया, देख रहे हो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये ले है ले। और अभी हम जा रहे हैं शे पैलेस पहले दिखाएंगे, उसका रैंचो स्कूल दिखाएंगे जो कि फेमस हुआ था थ्री इडियट्स फिल्म के बाद, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं शे पैलेस। यार मैंने सोचा था कि लेह में ठंड होगी, यार लेह में पहाड़ वाली गर्मी है भाई साहब, 27-28 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है लेह में, और धूप देख रहे हो कितनी कड़ी धूप निकली हुई है यहाँ पे। लेकिन ये नज़ारों को देख करके गर्मी भी छुबंतर हो जा रहा है। हाँ जी, तो दोस्तों पहुँच गया हूँ शे पैलेस, और शे पैलेस जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। नीचे है रोड और ऊपर में है शे पैलेस, तो फटाफट चलते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है शे पैलेस की जो डिस्टेंस है लेह से वो है एग्जैक्ट 12 किलोमीटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारी दुकान, सारे शॉप, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि आज ही के दिन शहीद हुए थे कुछ लोग, तीन लोग जो शहीद हुए थे यूटी मतलब कि लद्दाख को कश्मीर से अलग करने के लिए जिन लोगों ने शहादत दी थी उनका आज क्या बोलते हैं बर्षी बोल सकते हो, तो वो है, इसलिए 2 बजे तक सारी चीज़ें यहाँ बंद है। ऊपर चलते हैं धीरे धीरे हाइक करके, और ये है हिस्ट्री, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। इन सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, चलिए। ये है रास्ता अंदर चलेगा, वे टू मोनेस्ट्री। चलिए अंदर चलते हैं, जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक दिखाएंगे, जहाँ बंद करना होगा बंद कर देंगे। यहाँ से शे पैलेस से नज़ारे देखो भाई, नज़ारे देखो, क्या लैंडस्केप दिख रहा है यार। और ये है स्तूपा,
इज मोनास्ट्री। ये देखो पूजा आरती करने का इंतजाम हो रहा है। तो जी अभी चल रहे हैं रैंचो के स्कूल को, ठीक है, रैंचो के स्कूल चल रहे हैं। और यहाँ पे जो विजिटिंग टाइम है वो है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, उसके बाद आपके लिए नहीं खुला रहेगा, समझे। और मैं ना भारत माता की स्टैचू ढूंढ रहा हूँ। जब 2017 में जब मैं आया था ना तो उस समय मैंने देखा था, वो लास्ट टाइम भी मेरे को नहीं दिखी थी। इस बार भी द रैंचोज कॉफ़ी शॉप विजिटर सेंटर। ओके, तो यहाँ पर होगी हमारी पार्किंग। सो गाइस ये है रैंचोज कैफ़े। ये रहा 3 इडियट्स में जो आपने देखा था, तीनों लोग बैठ के जो करते हैं कुछ लाते हैं पीछे, वो भी बना के यहाँ पर रख दिया है। लास्ट टाइम जब आए थे तो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन इस बार वहाँ पे बना दिया पब्लिक के फ़ोटोग्राफी के लिए। और याद है आपको वो एक सीन था जिसमें वो क्या नाम था उसका, सुसु करते रहता है तो उसके सामने बल्ब लटका देते हैं वो, तो करेंट लगता है। वो यहाँ वॉल पर बनाया हुआ है और लिखा भी है ऑल इज वेल। ये तीनों बैठे हुए हैं, माधवन, आमिर एंड शर्मन। ये नीचे रहा बल्ब, ये नजर आ रहा बल्ब, ये तो बस यही है घूमने के लिए। ये रहा सामने स्कूल, रैंचो स्कूल। ये जो है 3 इडियट्स का कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे पिक्चर्स बनाई हुई हैं। देखो ये दिख रहा है ऑल इज वेल 3 इडियट्स, और ये रहा, और ये तीनों स्टूडेंट्स और उनके क्या बोलते हैं प्रिंसिपल साहब, उनकी भी तस्वीर बनाई हुई है। देखो उनके बाल का डिज़ाइन एकदम बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है। और ये रहे 3 इडियट्स हमारे, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। और ये ड्रम्स देख रहे हो, ऐसे फ्रेंड्स होते तो तीनों फ्रेंड्स हम घुस जाते हैं, घुस करके निकाल लेते फ़ोटो। सो यही है कुछ, रिमेंबर लाइफ इज़ अ रेस, इफ़ यू डोंट रन फास्ट यू विल गेट ट्रैम्पल्ड। वायरस 2009, वायरस ने लिखा था, वायरस के कलम से लिखा हुआ है। ये रहा वायरस। सही है यार। और ये रहे हमारे तीनों 3 इडियट्स। सो गाइस कुछ इस तरीके से था रैंचो का स्कूल जो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से चलते हैं थिस्के मोनास्ट्री, थिस्के या थिक्से मोनास्ट्री है तो वो चलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर लद्दाख आते हो तो एक बार आकर के घूम लेना, देख लेना। यही सारी चीज़ें हैं, स्कूल के अंदर जाने को तो मिलेगा नहीं, स्कूल के बाहर आपको कैफ़े है, कैफ़े में बैठ के खा भी सकते हो। सो दिस इज रैंचोज कैफे, लेट्स गो इनसाइड। चलो कुछ खाते हैं यहाँ पे। दीदी ये मिल जाएगा अपना कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, एक कर दो। सो जी गाइज, रैंचो के रैंचोस कैफ़े से लिया मैंने कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। इसका प्राइस चार्ज किया लोगों ने 150 रुपया। सही है, 150 रुपया लायक है। रैंचो स्कूल के बच्चे गेम में बिजी हैं, गेम में। ये देखो
यस ब्रो, देखो ये सब सारे बच्चे। तो गाइज अभी निकले हैं थिक्से मोनास्ट्री घूमने के लिए। दो चीज़ें आपको दिखा दी मैंने, ठीक है, तीसरी चीज़ वो है, उसके बाद देखते हैं क्या है। यार मेरे को भारत माता के स्टैचू चाहिए, मेरे को लास्ट टाइम मैंने देखा था, मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ भारत माता के स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, मेरे को दिख नहीं रहा वो यार, कोई बता भी नहीं रहा। एक बंदे ने बताया कि जिधर आप जा रहे हो उधर ही रास्ते में दिखेगा, लेकिन अभी तक तो दिखा ही नहीं है और मोनास्ट्री मुझे दिख गया है। अरे भाई दिख गई भारत माता मेरे को, भारत माता दिख गई मेरे को। फोटो चाहिए अपने को, फोटो चाहिए भारत माता के साथ, भारत माता के साथ फोटो चाहिए। रही मोनास्ट्री, थिक्से मोनास्ट्री, रास्ता जाना चाहिए भैया, नहीं तो ट्रैक करके तो हालत खराब हो जाएगी इस गर्मी में। लेट्स सी, आगे गेट के पास पहुंचते हैं, फिर पता चल जाएगा कि गाड़ियां जाती हैं या ट्रैक करके जाना पड़ेगा। ओके, तो अंदर एक रास्ता है, उस रास्ते से हम बढ़ रहे हैं थिक्से मोनास्ट्री की तरफ। और क्या मस्त खूबसूरत दिख रहा है यार ये मोनास्ट्री, देखो। हाँ जी, तो यहाँ तक पार्किंग है और थोड़ा सा आपको हाइक करके जाना होगा ऊपर, तो पार्किंग करते हैं, बाइक्स जहाँ पार्क है वहाँ पार्क कर देते हैं, फिर चलते हैं। ये है एंट्री थिक्से मोनास्ट्री का, और यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है शायद, सो ये है हिस्ट्री, आप पढ़ लो एक बार पॉज करके। चलिए यहाँ पे क्या है, टिकट काउंटर। कितना सर? 50 रुपीज़। तो गाइस थिक्से मोनास्ट्री एंटर कर रहा था, जैसे एंटर किया वैसे ही एक पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे एप्पल का, और जैसे एंट्री कर रहा था मेरे सामने ये उसका फ्रूट जो है गिरा, मतलब कि एंट्री करने से पहले मोनास्ट्री, एंट्री करने से पहले मोनास्ट्री का प्रसाद मिल गया है, तो इसको हम बाद में खाएंगे, पहले चलते ऊपर चल के देखते हैं कैसी है मोनास्ट्री और दर्शन करते हैं, फिर नीचे उतरेंगे इसको धोएंगे फिर खाएंगे। I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason, if they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them, if you're coming for me, hope you're ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving, I'ma take what's mine with the webs I'm... Okay, yeah, shoes khol rahe hain, fir aage chal rahe hain, let's go. राजा ने जो लामा को ऑफर कर दिया,
बनाया था। ये थी हिस्ट्री इस मोनेस्ट्री की। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ थिस्के मोनेस्ट्री का रूफ टॉप बोल सकते हो, सबसे हाइट पे जो जगह है वहाँ आ गया हूँ। और यहाँ से जो भाई लैंडस्केप, फिर से बोल रहा हूँ, इस जगह से भी जो लैंडस्केप दिख रहा है लद्दाख का, आई कांट एक्सप्रेस। आपको मैं बोलूँगा, अगर आप लद्दाख नहीं आए हो तो एक बार लद्दाख आओ, क्योंकि जो मेरी खुली हुई आँखें देख पा रही हैं वो लेंस उतने अच्छे से नहीं दिखा पा रहा होगा। मैं मानता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ आपको दिख जाए प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो आप यहाँ आकर के देखोगे उसका तो मज़ा ही अलग होगा ना। तो मैं फिर भी आपको बोलूँगा, एक बार लद्दाख ज़रूर आए। दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, वो लद्दाख है अपना। और मेरे को एक कल या परसों स्विट्ज़रलैंड के सर मिले थे, उनसे मैंने पूछा, मैं जब संस्कार कर रहा था वो भी कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि सर स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा खूबसूरत है या लद्दाख खूबसूरत है। तो उनके ज़बान से सिर्फ एक ही वर्ड निकला, उन्होंने बोला, लद्दाख से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। सोचो, दुनिया स्विट्ज़रलैंड घूमने जाती है, हनीमून मनाने जाती है, ऐसे ही घूमने जाती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड का बंदा बोलता है कि लद्दाख से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। तो समझ सकते हो कि हमारा लद्दाख कितना खूबसूरत है। दिस इज मैत्रेय टेम्पल। मैत्रेय बुद्धा इसलिए बोला जाता है बिकॉज अभी भी लोग मानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा का एक अवतार फिर से आएंगे जिनका नाम होगा मैत्रेय बुद्धा। तो जी थिक्से मोनेस्ट्री भी हो गया, ठीक है, अभी चलते हैं। क्या तो नाम था, चलो वहाँ नाम पहुँच के बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम याद नहीं रहते हैं यार। कैसे लगे यहाँ के लॉर्ड बुद्धा, और कैसी लगी 360 व्यू जो मैंने दिया आपको, वो कैसी लगी बताना, कमेंट करके ज़रूर से बताना भाई, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अभी 14 मिनट लगेगा, 8.8 किलोमीटर, हाँ 8 किलोमीटर है नेक्स्ट जो मोनेस्ट्री गोम्पा जो है। रास्ता तो देखो कितना खूबसूरत है यार। देखो एक कहावत है और एक बड़ा बहुत प्यारा लाइन है कि आपके डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए जर्नी आपकी। सो अभी जो है इस्तकना मोनेस्ट्री है, और देखो सामने दिख गया, देख रहे हो सामने जो मोनेस्ट्री दिख रही है वो है इस्तकना। और ये ब्रिज कितना खूबसूरत दिख रहा है यार, इस पर जो बांधे हुए हैं फ्लैग्स, ये तो और खूबसूरत कर देते हैं इन ब्रिज को, इन पुलों को। सो ये जितने भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, ये सब लेह मनाली हाईवे पे है जितने भी हैं। और लास्ट ईयर जब आया था तो जो
सब एक्सप्लोर किया था वो लेह श्रीनगर वाले रूट पे था। ये जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ ना वैसे ही आप भी चलना, ये फिर वो फिर वो फिर वो, ठीक है? ऐसे चलोगे तो सब कुछ हो जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो ये रहा स्तकना मोनास्ट्री, और यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही आया हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ स्तकना गोम्पा। ये मेरा कितना तीसरा या चौथा प्लेस है जो आज के टूर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ भी वही नज़ारे हैं, नज़ारे खूबसूरत हैं। तो फटाफट चलते हैं अंदर स्तकना गोम्पा। यहाँ पे टूरिस्ट है नहीं, शायद से बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होगा, या बहुत लोगों ने बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो अगर आप लेह लद्दाख आते हो, लेह आते हो, तो इस स्तकना गोम्पा भी आना बिल्कुल भूलना मत यार। देखो जो फेमस है उन पे तो सब लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे भी छोटे छोटे मोनेस्ट्री हैं जहाँ जाना चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। कितना खूबसूरत दिख रहा है यार, वाओ इट्स ब्यूटीफुल यार, क्या कलर देख रहे हो, इट्स लवली, सी दिस फ्लैग, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये गुरु जी है, यहाँ पे लोग बैठ करके ये सारे बुक्स जो है ना ये पढ़ते हैं, देखो ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं। देख रहे हो यार कितना कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये भी मोनेस्ट्री गोम्पा, हमारे लॉर्ड बुद्ध। सी दिस, ओ इट्स वेरी नाइस यार, सी वाओ। चलते हैं, ये देखो अलग अलग गुरुजी, ये देखो एची द 11th स्तकना रेनपुंचे ताशी स्तामफिल बोर्न इन मारखा विलेज ऑफ लद्दाख। ये गुरुजी जो है इनका भी देखो लिखा हुआ है एची कर्मा स्टैंजिन द 10th स्तकना रिनपोचे बोर्न इन खाम रीजन ऑफ तिब्बत। फिर ये गुरु जी हैं इनका, ये एची शोजे जामयांग पादकर द 3rd थ्रोन होल्डर ऑफ स्तकना मोनेस्ट्री, समझे? फिर ये गुरु जी हैं, ये है द इमेज ऑफ एच एच जाबतुंग नवांग नामग्याल सुप्रीम हेड ऑफ लोहद्रक भूटान, समझे? फिर ये गुरुजी हैं एच ई द 9th स्तकना रिनपोचे नवांग ख्यालसान बोर्न इन भूटान, अच्छा भूटान में इनका जन्म हुआ है। ये है एच ई स्थान पे स्पालजन द 12th स्तकना रिनपोचे बोर्न इन पितुक लद्दाख, और लास्ट वन ये है गुरु जी नावांग दोनियोड दोरजे, ठीक है? तो इस तरीके से ये मोनेस्ट्री है, ये गोम्पा है स्तकना गोम्पा। और आप भी अगर आते हो तो ये सब चीज़ें आप भी अपने साथ लेकर के आ सकते हो, चॉकलेट्स हो गए, रेडबुल हो गया, जूस हो गए, स्नैक्स हो गए, कुछ भी जो भी खाने पीने की चीज़ें हो, बस नॉनवेज छोड़ के जो भी चीज़ें हैं आप ला करके यहाँ पे चढ़ा सकते हो, और लाना भी चाहिए, मैं भूल गया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भूल गया। लेकिन अगर आप आते हो मोनेस्ट्री तो कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर के आओ, ठीक है? चलिए अभी आगे निकलते हैं। ये देखो ये सब जो होते हैं ना बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो है, देखो भाई साहब। और ये सारे बुक्स हैं, पोथियाँ हैं, ज्ञान की पोथियाँ, ये देखो।
काफ़ी खूबसूरत है भाई, मैं आपको बोलता हूँ उस तक ना गोम्पा आना बिल्कुल मिस ना करें अगर लद्दाख आते हैं तो। प्लीज़ 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 कम हियर प्लीज़। सो दोस्तों मैं फिर से आपको बोलूँगा, अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो तो अस तकना गोम्पा आना बिल्कुल ना मिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेह मार्केट से, लेह सिटी से आने में 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेगा। यहाँ आएँ और अगर हेमिस जा रहे हैं तो हेमिस से पहले, हेमिस से 10-12 किलोमीटर पहले ही राइट साइड में इसका कट आता है, आप गूगल मैप पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप अगर हेमिस भी घूमने जा रहे हैं तो इस गोम्पा को ज़रूर से एक बार विज़िट करना यार, बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत सही में बहुत खूबसूरत है। ये तो यारो पहुंच गए अपन हेमिस मोनेस्ट्री, ये है हेमिस। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वही है हेमिस मोनेस्ट्री। तो फटाफट अंदर चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है 5 PM हो चुके हैं, फटाफट अंदर चलते हैं। हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में मेंशन किया हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लो। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं और लिखा हुआ है मोनेस्ट्री कम म्यूजियम। बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत दिख रही है यार। चलिए लेट्स गो। एक चीज़ मैंने देखा, यहाँ के हर मोनेस्ट्री में टिकट लग रहा है। कितना सर? जी 50। सो दोस्तों टिकट ले लिया, टिकट का प्राइस है 50 rupees। एंड मेक श्योर कीजिएगा आप सुबह 8 बजे ये मोनेस्ट्री खुलती है और शाम को 6 बजे बंद भी हो जाती है हेमिस मोनेस्ट्री, तो इस बात का आप ख्याल रखना। अभी मेरे पास 1 घंटे हैं। ओके ओके पहचान में आ गया, मैं आया हूँ पहले यहाँ पे आया हुआ। दोस्तों हेमिस से जैसे नीचे उतर रहा था एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के पास ये थे एप्रिकॉट्स। देख कर आ नहीं गया भैया, इस टाइम पे मैं लद्दाख इसलिए आया था कि मेरे को एप्रिकॉट्स खाने थे। लास्ट टाइम जो 2017 में भी आया था दबाए खाया था एप्रिकॉट्स, तो अभी एप्रिकॉट्स पका हुआ रहता है, जून में आओगे तो पका हुआ नहीं मिलेगा, सो इसको खाएंगे मज़ा आएगा। ओ भाई देख रहे हो सनलाइट पड़ा तो कैसा दिख रहा है ये माउंटेन, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल लद्दाख। एंड गाइस अभी जो मैंने दिखाया ना आपको एप्रिकॉट्स खा रहा था तो ठीक से पके नहीं थे, खट्टा मीठा था, बट अच्छा लग रहा था यार, मेरे को तो बहुत पसंद है यार एप्रिकॉट्स, ऐसे पेड़ से तोड़ के खाने में अलग ही मज़ा आता है। मैंने सितंबर में प्लान ही किया था, अगस्त और सितंबर इसलिए प्लान किया था कि मैं जाऊंगा तो मुझे एप्रिकॉट्स खाने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब जून में आया था तो उस टाइम पर तो अभी फ्लावर ही आए रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। फिलहाल ये कल सुबह सुबह निकलना है, फिर उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लाइन नहीं लगना पड़ेगा, फुल कर दो कागा। यहाँ पे पेट्रोल है 103.61 rupees, 1150 का हुआ है 11.10 liter। सो गाइज ये है लेह का मार्केट, बिल्कुल वैसा लग रहा है। सिक्किम गए थे ना अपन, सिक्किम का जो मार्केट था गैंगटॉक का जो मार्केट था एग्जैक्टली वैसा ही लेह मार्केट भी दिखता है। भाई साहब यहाँ लूट मच पड़ी है, मैं भी गया था एक्सट्रीम मेमोरी कार्ड लेने के लिए 64 GB का, तो पता चला 3000 ले, इसका मतलब थोड़ा ना भैया लूट लोगे, 1600-1700 का, 1600 तो 900 का आता है और यहाँ पे 3000 का बेच रहे हैं भाई साहब। मेरा मेमोरी कार्ड का जो वो है क्या बोलते हैं मेमोरी कार्ड जिसमें लगा करके ट्रांसफ़र करते हैं कार्ड रीडर, वो कल खो गया, उसके चक्कर में आया था ख़रीदने, उसका बोल रहे हैं 500 रुपया और मेमोरी कार्ड के साथ चाहिए था 3000 रुपया। मस्त लूट मचा हुआ भैया लेह में। सो दोस्तों इस व्लॉग में मैंने आपको लेह सिटी के आसपास जितनी भी मोनेस्ट्री है सब कुछ एक्सप्लोर किया, आपको भी दिखाया, खुद भी देखा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं भी नहीं देख पाया था, कोविड के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खुली नहीं थी, ओपन नहीं हुई थी, जिसके कारण हम नहीं देख पाए थे और आपको भी दिखा नहीं पाए थे। सो इस ये जो व्लॉग था थोड़ा लंबा हो गया मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें सारे इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी जाते हो लेह लद्दाख घूमने के लिए तो आपके लिए शायद से फ़ायदेमंद हो जाएगा।
तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा हुआ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें कोशिश करूंगा कि चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वही चीज़ें दिखाएं और शॉर्ट वीडियो बनाएं ताकि आप भी एंटरटेन हो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो थी इसलिए लंबी हो गई। सो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। एंड प्लीज़ सेव गोल चाइल्ड, प्लीज़।